उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के 4 साल बाद यूपी सरकार पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। इसी संदर्भ में सीएम योगी ने ट्वीट किया है कि मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जय हिंद। जी हाँ, आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अग्निपथ योजना को मंजूरी दिए जाने का सीएम योगी ने स्वागत किया है। सीएम योगी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के सामर्थ्य में वृद्धि करेगी। यह योजना देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अध्ययन का सृजन करेगी। अग्निपथ योजना का लक्ष्य सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक से युवा युक्त शक्ति से जोड़ना है। इन युवाओं को अग्निवीर की संज्ञा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।